हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संस्कृति के एलजी। इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन कल्चर जीके इन हिंदी। इसमें हम भारतीय संस्कृति के कुछ ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट एग्जाम में। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। इसका आंसर है जयपुर। हाथी महोत्सव प्रतिवर्ष जयपुर में मनाया जाता है। इसमें हाथियों को सजा धजा कर महोत्सव में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मे दम में भाई किस प्रदेश का त्योहार है। क्वेश्चन है, मे दम में भाई किस प्रदेश का त्योहार है। इसका आंसर है असम। मे दम में भाई असम के ताई अहोम जनजाति का त्योहार है। ताई अहोम अपने पूर्वजों के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं और पारंपरिक तरीके से भगवान को बलिदान देते हैं। गुरुमुखी, डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है। इसका आंसर है शारदा लिपि। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति शारदा लिपि से हुई है। शारदा 8वीं शताब्दी के आसपास विकसित स्क्रिप्ट के ब्राह्मण परिवार की एक लिपि है। यह संस्कृत और कश्मीरी भाषा के लिए प्रयोग की जाती थी। गुरुमुखी गुरु अंगद द्वारा विकसित लिपि है जो शारदा लिपि से विकसित हुई है। अभी यह कश्मीरी पंडितों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तकरारी या टैंकारी जैसे पारदा लिपियों के कई रूप हैं जो कुकरी लिपि के माता पिता, कुलुई लिपि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, चमेली स्क्रिप्ट चंबा हिमाचल प्रदेश में, सिंधी पंजाब के बानिया इत्यादि हैं। एजुत चान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। एजुत चान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार। इसका आंसर है केरल। एजुत चान पुराकारम केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन है, बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है। इसका आंसर है कर्नाटक। बासव श्री पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है। इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारत की धरोहरों स्मारकों की देखभाल के लिए बनाया जा गया है। इसके चेयरपर्सन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है। इसका आंसर है नई दिल्ली। किला राज पिथौरा नई दिल्ली में है। चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे से शुरू हुआ है। चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे से शुरू हुआ है। चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है। इसका आंसर अफगानिस्तान। चिश्त कस्बा अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में स्थित एक कस्बा है। इसकी स्थापना 930 ईस्वी में अबू इसहाक शमी ने की। पश्चिमी एशिया लौटने से पहले उन्होंने स्थानीय अमीर अबू अहमद अब्दल के बेटे को प्रशिक्षित और नियुक्त किया जिनके नेतृत्व में चिश्तिया क्षेत्रीय रहस्यमय आदेश के रूप में विकसित हुई। चिश्ती सिलसिला की भारत में स्थापना ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती ने की। इस सिलसिले के अन्य प्रमुख संत कुतुबुद्दीन, बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज शंकर, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन अली अहमद शबीर कल्याणी थे। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है। इसका आंसर है पद्म संभव। द्वितीय बुद्ध पद्म संभव को कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। इसका आंसर है 1969। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से शुरू हुआ। हर साल रमजान पिछले साल से होता है 11 दिन पहले। इसका आंसर है 11 दिन पहले। हर साल रमजान पिछले साल से 11 दिन पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान के बारे में कौन से कथन सही है। क्वेश्चन है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान के बारे में कौन से कथन सही है। ये चार कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से कथन सही है। फर्स्ट कथन है, यह पुरस्कार वार्षिक है। दूसरा है, जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तीसरा, यह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। चौथा है, भारत की सभी भाषाओं को दिया जाता है। इसका आंसर है 1, 2 और 3। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है ये कथन सही है, बाकी फोर्थ कथन गलत है।
के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान है। इसमें यह पुरस्कार वार्षिक है। दूसरा, जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं। यह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। ये तीन ऑप्शन सही है, लेकिन ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन है भारत की सही भाषा में दिया, ये गलत है। तो क्वेश्चन का जो नोट्स है, यह सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। यह भारत के संविधान में अनुसूची 8 में शामिल किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित भारतीय नागरिक के उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया गया एक वार्षिक पुरस्कार है। 2005 से यह 22 भाषाओं में दिया जाता है। जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? क्वेश्चन है, जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? इसका आंसर फूलों से सजावट। इकेबाना जापानी कला है जो फूलों से सजावट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? इसका आंसर है भील। भगत आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है। जब कोई भील भगत हो जाता है तो उसे मांस, अंडे और शराब का त्याग करना पड़ता है। वो दहेज भी स्वीकार नहीं करता है। यह आंदोलन 300 साल पुराना है और राजस्थान के माऊजी सबसे पुराने भगत थे। उनके राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में काफी अनुयायी है। भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित? आंसर है भील। भगत आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है। जब कोई भील भगत हो जाता है तो उसे मांस, अंडे और शराब का त्याग करना पड़ता है। वह दहेज भी स्वीकार नहीं करता है। यह आंदोलन 300 साल पुराना है और राजस्थान के माऊजी सबसे पुराने भगत थे। उनके राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में काफी अनुयायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? इसका आंसर है राष्ट्रकूट वंश। एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। इन्हें 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मैसूर। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? इसका आंसर है विट्ठल। भारतीय संगीत में अभंग विट्ठल भगवान के भजन है। प्रथम अभंग संत तुकाराम ने गाया। भारतीय संगीत में अभंग विट्ठल भगवान के भजन है। प्रथम अभंग संत तुकाराम ने गाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन है, भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ? इसका आंसर है शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य रूप लटापत किस नृत्य से संबंधित है? क्वेश्चन है, नृत्य रूप लटापत किस नृत्य से संबंधित है? इसका आंसर भटनाट्यम। लता पद भटनाट्यम से संबंधित है। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? क्वेश्चन है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? इसका आंसर हरियाणा। भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। यह हरियाणा जिले के पंचकुला में है। संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? क्वेश्चन है, संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर? इसका आंसर है 54। संस्कृत वर्णमाला में 54 अक्षर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिसंबर 2003 से ताप प्रमोम मंदिर की बहाली के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके नाम इसके लिए काम कर रहा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिसंबर 2003 से ताप प्रमोम मंदिर की बहाली के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके लिए काम कर रहा है? इसका आंसर है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बती बौद्ध धर्म में चेरेंजिंग शब्द किस से संबंधित है? तिब्बती बौद्ध धर्म में चेरेंजिंग शब्द किस से संबंधित है? इसका आंसर है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर। रिगोन थुपटेन मनोविज्ञान मठ कहाँ है? रिगोन थुपटेन मनोविज्ञान मठ कहाँ है? इसका आंसर उड़ीसा।
थुपटेन मनोविज्ञान मठ उड़ीसा में है, जिसका उद्घाटन दलाई लामा ने 2010 में किया। रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है, रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सिक्किम। रूमटेक मठ सिक्किम में स्थित है। रूमटेक मठ को धर्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है। यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक के पास है। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के निम्नलिखित उप स्कूलों में से किसके अस्थायी प्रमुख हैं? दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के निम्नलिखित उप स्कूलों में से किसके अस्थायी प्रमुख थे? इसका आंसर है गेलुप्पा। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? इसका आंसर है 24। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमी, संस्कृत, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, इन सब 24 भाषाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों की धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहब को निश्चित किया और यह निश्चित किया कि यह पुस्तक सिखों के स्थाई गुरु होगी? इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से किस गुरु ने सिखों के इस धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहब को निश्चित किया और यह निश्चित किया कि यह पुस्तक सिखों के स्थाई गुरु होगी? इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब को सिखों का स्थाई गुरु घोषित किया। भारत में किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ? इसका आंसर है गौहर जान। भारत में किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ? इसका आंसर है गौहर जान। भारत में सबसे पहले राग जोगिया के ख्याल गायक गौहर जान का 1902 में हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता किस प्रदेश से थे? इसका आंसर है केरल। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरुप को मिला। 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? इसका आंसर है राजस्थान। 13 ताली राजस्थान का नृत्य है। इसमें महिलाएं नृत्य के समय 13 जगह पर मंजीरे बांध लेती हैं। वाटसन के होटल या एस प्लानेड हवेली जो भारत की सबसे पुरानी जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग है, निम्नलिखित किस शहर में स्थित है? इसका आंसर है मुंबई। वाटसन के होटल या एस प्लानेड हवेली जो भारत की सबसे पुराने जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग है, निम्नलिखित किस ऐसे किस शहर में स्थित है? इसका आंसर मुंबई में। तीनों दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म या रीति है? दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म या रीति है? इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश। दोनी पोलो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसका अर्थ है सूर्य और चंद्र। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? इसका आंसर बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। दलाई लामा को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? क्वेश्चन है, दलाई लामा को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? इसका आंसर है अवलोकितेश्वर। दलाई लामा को अवलोकितेश्वर का पुनर्जन्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या नागर, द्रविड़ और बेसर की सही व्याख्याएं हैं? इसका आंसर है मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियां। निम्नलिखित में क्या नागर, द्रविड़ और बेसर की सही व्याख्याएं हैं? इसका आंसर है मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियां। ब्लैक पेगोडा किस प्रदेश में है? क्वेश्चन है, ब्लैक पेगोडा किस प्रदेश में है? इसका आंसर है उड़ीसा। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। राजराजेश्वर मंदिर जो चोल वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा राजा राज चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनवाया किस देवता को समर्पित है? इसका आंसर है शिव। राजराजेश्वरम मंदिर जो चोल वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा राजा राज चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनवाया था किस देवता को समर्पित है? इसका आंसर है शिव।
निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय, तिब्बती कार्यों और अभिलेखों का पुस्तकालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये सब क्रमशः किन प्रदेशों में हैं? ये आपको क्रम दिए हुए हैं, इन क्रम से आपको बताना है कि जो तीन ऑप्शन है ये कौन से प्रदेश में है। खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय, तिब्बती कार्यों और अभिलेखों का पुस्तकालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव पुस्तकालय। इसका आंसर है बी, खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय बिहार में है, तिब्बती कार्यों और अभिलेखों का पुस्तकालय हिमाचल प्रदेश में है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में है। तो हमारे पास ये नोट्स में भी दिया हुआ है, खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय पटना बिहार में है, तिब्बती कार्यों और अभिलेखों का पुस्तकालय धर्मशाला में है हिमाचल प्रदेश, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जम्मू कश्मीर में लेह में स्थित है। इस तरीके से हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, भारत की संस्कृति का फर्स्ट फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, इसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने 40 क्वेश्चन कराए हैं, नेक्स्ट पार्ट में 40 टू 80 क्वेश्चन